24 फरवरी को अमेरिका और ब्रिटेन समेत कुछ अन्य देशों ने यमन में हूती विद्रोहियों पर बड़ा अटैक किया। हूती विद्रोहियों के 18 ठिकानों पर जोरदार हमले किए गए। आपको बता दें कि इजराइल हमास युद्ध के बाद से ही लाल सागर और अदन की खाड़ी में हूती विद्रोही लगातार हमला कर रहे थे। इसके साथ ही यमन में जो मानवीय मदद दी जा रही थी उसे भी रोकने की कोशिश कर रहे थे, जिसके जवाब में अब 7 देशों की फौज ने एक साथ मिलकर हूती विद्रोहियों पर बड़ा हमला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी और ब्रिटिश फौजों के अलावा कनाडा, डेनमार्क, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन और न्यूजीलैंड की फौज ने एक साथ मिलकर इस हमले को अंजाम दिया है। हमलों में हिस्सा लेने वाले देशों ने एक संयुक्त बयान भी जारी किया है। जारी बयान में कहा गया कि सैन्य कार्रवाई यमन में 8 जगहों पर की गई है, जिसमें 18 हूती ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि हमले का उद्देश्य ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों की ताकत का खात्मा करना है। उन्होंने कहा कि हम हूती विद्रोहियों को बताना चाहते हैं कि यदि उन्होंने अपने अवैध हमलों को नहीं रोका तो उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। हूती मध्य पूर्वी अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं और यमन तथा अन्य देशों को दी जाने वाली मानवीय सहायता के वितरण को बाधित करते हैं। यमन की मुख्य टेलीविजन न्यूज आउटलेट अल मसीरा टीवी ने 24 फरवरी को कहा, अमेरिकी और ब्रिटेन की सेना ने राजधानी सना में सिलसिलेवार हमले किए। एक हूती सैन्य सूत्र के मुताबिक हूती विद्रोहियों पर की गई स्ट्राइक यमन को गाजा में फिलिस्तीनी लोगों को सहायता अभियान प्रदान करने से रोकने का एक दयनीय कोशिश थी। हाल ही में हूती विद्रोहियों ने ब्रिटेन के मालवाहक शिप पर हमले किए थे और उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से इसराइल के बंदरगाह और रिजॉर्ट शहर को निशाना बनाया था। दरअसल गाजा हिंसा के बाद से ही हूती विद्रोही इसराइल से संबंधित शिप को निशाना बना रहे हैं। इस वजह से पूरे मध्य पूर्व में तनाव का माहौल बन गया है। आपको बता दें कि हूती यमन का एक शिया मिलिशिया ग्रुप है। यमन में ये अल्पसंख्यक समूह है। इसका गठन साल 1990 में तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल्ला सालेह के भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए हुआ था। इसके संस्थापक हुसैन अल हूती थे, जिनके नाम पर ही इस संगठन का नाम पड़ा है। हूती विद्रोही अमेरिका और इसराइल को अपना दुश्मन मानते हैं। वह ईरान के हिजबुल्ला और इसराइल के हमास को समर्थन करते हैं। साल 2014 में हूती राजनीतिक रूप से यमन में काफी ज्यादा मजबूत हुए थे। साल 2015 की शुरुआत में उन्होंने राजधानी सना पर भी कब्जा कर लिया। धीरे धीरे हूती विद्रोहियों का यमन के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण हो गया। हूती लाल सागर के एक बड़े तटीय इलाके पर नियंत्रण रखते हैं और यहीं से वह जहाजों को निशाना बना रहे हैं। यमन की ज्यादातर आबादी हूती विद्रोहियों के नियंत्रण में रह रही है। उनका संगठन देश के उत्तरी हिस्से में टैक्स वसूलता है और अपनी मुद्रा भी छापता है। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।